जय हो परम सत्य की, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव कौन है? यह ऊर्जा है क्या? कहाँ रहता है? काम कैसे करता है? और दिखता कैसे है? और उससे भी बड़ी बात कि यह आपके अनुभव में आएगा कैसे? कोई भी चीज़ सबसे पहले सुनना अलग है और उसे महसूस करना अलग है। जैसे व्यक्ति जो है हर चीज़ के बारे में सुना होता है, पढ़ाई करना, काम करना या फिर परा एनर्जी, भूत प्रेत, लेकिन जब तक उसके अनुभव में आता है, जब उसके सपाटा में आता है वह, तब उसको समझ में आता है कि जीवन का वह ऊर्जा क्या चीज़ है। ऐसे ही पवित्र ऊर्जा के बारे में तो सभी ने सुना है भगवान शिव को कि है और मान भी लिया है, लेकिन है कहाँ? आपके अनुभव में नहीं आया है। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि वह आपके अनुभव में कैसे आए, किस तरह से आप उस पवित्र सत्य रूपी प्योर ऊर्जा को आप अनुभव कर पाएंगे और महसूस करने के बाद उसे जान पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये समझे, जो पूरा ब्रह्मांड है, जो चल रहा है, जो एक नाद चल रहा है, जैसे पृथ्वी घूम रही है, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र अपने अपने जगह पे घूम रहे हैं, दिन रात का चक्र चल रहा है, ऋतुओं का चक्र चल रहा है, सर्दी गर्मी बरसात, तो इन सभी ऊर्जा को जो नियंत्रित करके रखा है या फिर जो संचालित कर रहा है, जिसके पीछे एक चेतना चल रहा है, एक बुद्धिमानी चल रहा है, वो बुद्धिमानी और वो चेतना जो है, उसी चेतना को हम शिवत्व की चेतना कहते हैं या फिर सत्य की चेतना कहते हैं। और उस चेतना को अगर आप समझ लिए या फिर आपकी पहुंच बन गई उस परम चेतना पर, तो आपके जीवन में भी कभी भी कोई समस्या नहीं रहेगा। छोटा सा छोटा समस्या या बड़ा सा बड़ा दुख का पहाड़ भी निकल जाएगा। तो सबसे पहले ऐसा क्या करोगे कि उस सत्य रूपी प्योर पवित्र ऊर्जा को आप समझोगे और आपके अनुभव में आएगा और आपका जीवन खुशमय होगा। वह ज्ञान क्या है और वह है क्या चीज? तो भगवान शिव जो है कोई एक पर्टिकुलर जगह पे रहने वाला व्यक्ति नहीं है, वो संपूर्ण समग्र विश्व का जो ब्रह्मांड का केंद्र है, जिसे वह चला रहा है, वह ऊर्जा का नाम है, उस चेतना का नाम है, उस परम बुद्धिमानी का नाम है। जब व्यक्ति साधना करते करते एक समय बाद एक सर्वोच्च स्थिति में पहुंच जाता है, जब उसके में और भगवान शिव के में कोई भेद नहीं रहता, अर्थात वह संपूर्ण रूप से ही शिव स्वरूप, सत्य स्वरूप हो जाता है, तब भगवान मनुष्य रूप में, अर्थात यह जो ऊर्जा है वही मनुष्य रूप में उसके समक्ष आता है और सिर्फ उसी व्यक्ति को दिखता है और उसके साथ रहता भी है, लेकिन जो बाहर के व्यक्ति हैं उसे देख नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि यह जो अनुभव है वह आँखों से परे है, आँखों में वह क्षमता नहीं है। अगर मैं आपके आँखों से ही बोलूँ तो आपकी आँखें आसमान के छोटे से छोटे कण की ऊर्जा को नहीं देख सकते, हवाओं को नहीं देख सकते, जो आपके श्वास चल रहे उसको नहीं देख सकते, उसके अंदर जो वाइब्रेशन एनर्जी नाद हो रहा है उस फ्रिक्वेंसी को नहीं देख सकते। उसके लिए एक बहुत ही छोटा सूक्ष्म यंत्र होता है, लेकिन मशीन भी इस चीज़ को नहीं देख सकता है भगवान शिव को। सिर्फ सिर्फ एक ही मशीन है, इंसानी शरीर, इंसान का जो शरीर है, इस शरीर से आप साधना करके ही उस चेतना को आप अनुभव कर सकते हैं, और वह चेतना जो ऊर्जा है वही आपको इंसानी रूप में आपके साथ आएगा, समक्ष रहेगा भी, आपसे बातें भी करेगा, सिर्फ आपको ही महसूस होगा, दुनिया में किसी भी आदमी को यह महसूस नहीं हो सकता। तो इसका एक ही चीज़ है मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि यह आप सिर्फ सिर्फ एक ही मशीन है, जो सबसे कीमती मशीन है वह है आपका शरीर। इस शरीर रूपी मशीन से ही या फिर इस शरीर रूपी साधन से ही आप शिव को जान सकते हैं, क्योंकि इसे आप एक निश्चित कर्म करवाएंगे जिसे साधना कहते हैं, उस साधना के मार्ग पर आप चलते 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 एक समय बाद, एक परिस्थिति के बाद ऐसा आयाम आएगा या फिर ऐसा स्थिति आएगा जब आप और शिव एक हो जाएंगे और वह आपको पूर्ण रूप से दिखने लगेगा। तो आप समझ गए कि भगवान शिव संपूर्ण समग्र ऊर्जा है, इसे पाने का एकमात्र रास्ता है साधना, और वह साधना सिर्फ उसे शरीर से ही कर सकते हैं। विज्ञान की दृष्टि से आप इसे कैच या फिर पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि विज्ञान में अभी वह क्षमता नहीं है, मशीनी चीज़ों में शिव को देखने की क्षमता नहीं है। भगवान शिव सिर्फ
आपको ही मिलेगा। जिसको दिखता है या जिन्होंने साधना किया है सिर्फ उसे ही महसूस होता है, उसे ही मिल सकता है। भले आप 500 व्यक्ति के बीच में रहें तो भी उसे नहीं दिखेगा आपको। वह सिर्फ एक ही जने को दिखता है जो साधक होता है, जिन्होंने साधना के मार्ग में अपने आप को चलाया है और उसे जागृत किया, उसे प्राप्त किया है। तो यह है संपूर्ण शिव का ज्ञान।